ना हम लोग नेहरू चौक में पहुंच चुके हैं मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पे। तो यहाँ पे ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे गोलगप्पा चैलेंज होने वाला है कि कौन कितने गोलगप्पे खाएगा। तो आप भी देखिए हमारी चैलेंज गोलगप्पे वाला। देखिए ये नेहरू चौक पूरी मार्केट। कॉलेज टाइम ना हम लोग यहीं घूमे रहते थे, तो हमारा कॉलेज भी यहीं नियर बाई था। तो देखिए इस तरफ को, वो पीछे की तरफ को है मेडिकल कॉलेज। जाना आज गोलगप्पा चैलेंज होने वाला, तीसरी बार किसके साथ है। पिछली बार ये चैलेंज आ चुका था अचानक पूरा वाला, तो इस बार ना गोलगप्पा चैलेंज है। देखते कि एक मिनट में कितने गोलगप्पे खा पाएगा ये। तो इस वीडियो में आप बिल्कुल एंड तक बने रहे और देखिए कि कितने गोलगप्पे ये खा पाता है ना। पैसा भी पूरा यही देने वाला, पूरे पेमेंट ना यही करेगा। बस कितने पैसे लाए आज? आज तो पैसा भी खुला है बंदे के पास। ये देखो 50 और ये 500, 550 है। 200 रुपये के तो गोलगप्पे लग ही जाएंगे मुझे लगता है चैलेंज के चक्कर में आज, है ना। तो अपनी गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, कीचड़ से भर चुकी गाड़ी। आते आते रास्ते में पानी था भरा हुआ रोड पे, गड्ढे पे। इससे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे। बंदा पहले बोलता है कि चैलेंज तो भैया चैलेंज तो बड़े वाला होगा, तो चैलेंज ना उल्टा कहीं मुझे बाहर ना पड़ जाए, मुझे लगता है कि ये खा लेगा कहीं। मैंने बोला था इसको कि एक बार में 100 गोलगप्पे खाएगा तो पेमेंट मैं करूँगा। क्योंकि भाई यहाँ है नहीं, भाई की गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चैलेंज क्या करता है ये तो गला भी खराब है वाला, तू कैसे खावा है मुंह से? कौन सा चीज़ ज़्यादा खाएगा वो? कुछ लाइट में चलते हैं, लाइट चल पड़ेगी वाला तो बीच में चला। स्पेशल चैलेंज के लिए तो बुक आया मेरे, हो गए तुमसे दो ज्यादा। नहीं बराबर चले भी डाके हो गया तेरा? हो गया नहीं हुआ अभी, अभी 15-20 साल खा लेगा। लास्ट है मेरी तो हो गया फुल काम, मैं अब और नहीं। हाँ जेटर क्या पोजीशन है? आई एम फिनिश, आई एम डन। दो बंदे भी बाकी हैं, इनका कंपटीशन चला हुआ है। अभी अंकल जी बता सकते हैं कि मैंने कितने खाए, मैंने खुद भी नहीं गिने। हाँ हाँ छोटे बोल और खाएगा, एक एक और खा ले 30-40 हज़ार। हाँ बस फाइनली ही इज द विनर। पानी दो यहाँ थोड़ा सा, पानी तो मैं भी ले लूँगा थोड़ा सा। तू खा लिया, तूने खाना चैलेंज वही था, तू विनर है बस। तेरे को 2 गोलगप्पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और इसके बदले में, जो विनर उसको 2 गोलगप्पे एक्स्ट्रा, 2 के 4 भी खा ले। तो तू खा ले, तूने और कितने खाने, जितने खाने खा ले। मेरे को पता नहीं मैंने कितने खाए। विनर फाइनली हुआ है पीछे, इसने बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खा लिया, मैंने तो कम खाए उससे, मेरे से ज़्यादा पीयूष ने खा भी पीछे खाया ना बंदा, उसने खाया सबसे ज़्यादा। तो
तो इसको विनर होने की खुशी में चार पाँच गोलगप्पे या आठ दस जितने मर्जी खाने हैं वो एक्स्ट्रा इसको ऑफर मिला है, तो जितने मर्जी खाते हैं। तो ये शॉप में गोलगप्पे की मेडिकल कॉलेज नियर चौक में। कितने हुए पैसे देने वाला बंदा ये आज पहली बार? कितने हुए कितने खाएंगे टोटल है? कितने साठ साठ सारे हो साठ नहीं साठ नहीं हो जाता होने पूछ लो भाई को। आपने खाए बीस चल देते जल दे दे पैसे बच गया बंदा का यार रुको ना यार रुको ना अरे भाई यार रुको ना ये देखिए इसका पर्स भाई को भी चुना लेने वाला देखो कितना है लेके 500 का नोट बंदे ने निकाल दिया तो अभी पैसे पैसा बस खुला नहीं है। तो ये शॉप है मेडिकल कॉलेज के पास नियर चौक में। आप लोग आए हैं बहुत ही टेस्ट गोलगप्पा मिलते हैं। ये नियर चौक में मेडिकल कॉलेज के पास ही में ये गोलगप्पा शॉप है ना, ये बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनते हैं यहाँ पे। हम लोग ना अक्सर यहाँ पे आते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। तो ये वाले भाई साहब है ना, इनकी बदौलत हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो इन्होंने बताई थी हमें ये। तो हम लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना तो अक्सर गोलगप्पे यहाँ पे खा ही लेते हैं। आप लोग भी ज़रूर आइए मेडिकल कॉलेज के पास ही, साथ में या PNB बैंक के सामने है ना। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से। सेंटर में ना फ़ोन छोड़ा हुआ था 3-4 महीनों से, देखते हैं कि अभी ना इधर आने का टाइम लग रहा था। आए तो हम लोग बहुत बार, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं रहता था कि भी वो फ़ोन छोड़ा है। पुराना फ़ोन था हालांकि सैमसंग का। तो गाइस बहुत गर्मी है ना इस एरिया में, बहुत गर्मी है इस एरिया में, पसीने निकल गए। गोलगप्पा खा के ना बहुत मज़ा आ गया, ठंडक भी महसूस हो रही है। क्योंकि वहाँ अपना फ़ोन बना या नहीं बना एक बार देख लेते हैं। गाइस इसी रूट में ना मैं आज से लगभग 5 साल पहले 6 साल पहले ना कंटिन्यूसली हम लोगों का रूम यहीं पर था जब हम लोग ना बीटेक करते थे। मैं मेरे फ्रेंड्स लोग ना यहीं से शाम के टाइम घूमने आते थे, तो हम लोग यहीं टहल टहलते हुए आते थे इधर नियर चौक में। तो इधर आगे जैसे ही हमारा एक रूम भी था जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे खुला है, तो वो टाइम भी कुछ याद आ जाता जब हम लोग यहाँ से कभी गुजरते हैं। तो यहाँ से ना जहाँ मैंने गाड़ी रोकी ना यहाँ से हम लोग कैब लेते थे। हम लोग लड़के लड़कियाँ सब लोग होते ना ग्रुप जो हमारा होता था, तो हम लोगों ने सारे ने कैब की होती थी, तो 7-8 लोग हम लोग यहीं से कैब में जाते थे कॉलेज की तरफ को। तो वो दिन याद आ जाते हैं कई बार यहाँ पे। बाकी वक्त सबका निकल जाता है, जो लाइफ है जो जब टाइम मिला उसको उसी वक्त इंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी को। कॉलेज लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करिए। मैं ठीक कहता हूँ जब ना सैमसंग केयर सेंटर में गए थे, मैं ना 2-3 महीने से छोड़ा हुआ इधर फ़ोन। मुझे तो हालांकि जाने का इधर ध्यान नहीं रहता था, मुझे लगा कि सब कुछ हो गया होगा। तो लेकिन अभी लोग कहते हैं कि उसमें मदरबोर्ड तो डाल दिया, बोलते हैं IMEI नंबर उसमें चढ़ नहीं रहा है, तो उसमें बोलते हैं 2-3 दिन और वेट कर लो बेहतर, तो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यार देखिए 2-3 महीने हो गए अभी तक काम ही नहीं हुआ है। मैं तो हालांकि ऐसे ही लापरवाह होकर बैठा था, लेकिन इन लोगों का तो खुद भी यहाँ काम नहीं हुआ है। तो यार ये सर्विस तो बहुत ही ढीली है, 3 महीने तो बहुत होते भाई। अभी एक छोटा सा पुराना फोन, तो आप भी बताइए इनके सेंटर वालों के बारे में आपको क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइज ये था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।